नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली और स्वागत है आप सभी का बिहार के इस बुलेटिन में। खबरों की शुरुआत करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी सहयोग कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार ने जानबूझकर लोहार समाज के लोगों को जातीय जनगणना की सूची से बाहर रखा है, जिसके बाद सम्राट चौधरी ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर लोहार समाज को जातीय जनगणना की सूची में शामिल करने का आग्रह किया है। वहीं लालू यादव पर निशाना साधते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू के आने से बिहार में गुंडे माफियाओं का और ज्यादा बोलबाला है। देखिए, वो सर्वोच्च न्यायालय है, न्यायालय में तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की पत्नी गई हैं। अब न्यायालय सर्वोपरि है, न्यायालय का जो आदेश होगा सबको मानना है। इसमें जो रिहा किया गया है उसमें एमवाई समीकरण का खासा ध्यान रखा गया है, 13-14 लोग उस समीकरण से आते हैं। देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि अपराधी से कोई सरकार नहीं चल सकती है, और हम तो इसके समर्थक हैं, किसी भी कीमत पर एक भी अपराधी नहीं छूटने चाहिए। कोई भी अपराधी हो, भारतीय जनता पार्टी उसका खिलाफ करेगी, अपराधी के साथ किसी भी कीमत पर नहीं जा सकते। आगे बढ़ेंगे। बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। उनकी रिहाई के खिलाफ दायर की गई एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 8 मई को सुनवाई होने वाली है। गोपालगंज के दिवंगत जिलाधिकारी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने अपने पति की मौत के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे आनंद मोहन की रिहाई के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की है। डीएम कृष्णैया की हत्या के मामले में ही आनंद मोहन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और वे पिछले करीब 15 साल से जेल में थे। उधर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने उपेंद्र कुशवाहा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा पर हमला करते हुए कहा कि जिस उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार ने बनाया, जब वो उनके नहीं हुए तो किसी और के क्या होंगे। उन्होंने ये कहा कि वो जिसकी गोद में बैठे हैं सबको दिख रहा है, वो एनडीए में चले जाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। या फिर लोग तरह, हम लोग तो नोटिस भी नहीं लेते। हम लोग तो उनको, हमारे नेता ने जब इतना उपेंद्र प्रसाद सिंह से उपेंद्र कुशवाहा बनाए और इतना तरजीह देने का काम किए, उन पर हम लोग बोले, हमको अच्छा नहीं लगता। आप ही लोग बराबर उनको तरजीह देते हैं, नोटिस करते हैं। वो जहाँ जिससे गोद में जाकर खेल रहे हैं वो पता है ना, जो अभी तो हाल फिलहाल में जो किस विरासत की बात कर रहे थे, विरासत बचाने की बात कर रहे थे ना। आप कहाँ चले गए? आप वहाँ चले गए जिनको आजादी की लड़ाई में कोई भूमिका नहीं रहा, जिस लोगों का, उस लोग के गोद में जाकर खेल रहे हैं। उधर मोतिहारी में आरजेडी ने मुस्लिम और यादवों के बाद अब महादलितों को साधना शुरू कर दिया है। पार्टी इसके लिए अंबेडकर परिचर्चा कार्यक्रम चला रही है। इसके तहत आयोजित कार्यक्रम में बिहार सरकार के विधि मंत्री डॉक्टर शमीम आनंद ने शिरकत की। इस दौरान जिलाध्यक्ष मनोज यादव ने कहा कि लालू यादव के आह्वान पर यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि आरजेडी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को बताएंगे कि बीजेपी बाबा साहेब के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से पूरे बिहार में अनुमंडलीय स्तर अंबेडकर परिचर्चा का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ पे अम्बेडकर जी का जो विचार था और उन्होंने संविधान जो बनाया है जिससे भारत चल रहा है, इस संविधान के बारे में सारे लोग जागरूक हैं। जिस तरह से इसको हटाने की कोशिश हो रही है, अंबेडकर जी पर परिचर्चा चल रहा है, उसी समय में हमको कमान भी राजद का मिला है और हम लोग पूरा सोच समझ के होश हवास में गांव गांव में ब्लॉक स्तर पर पंचायत में टोला टोला तक हम लोग सबको ट्रेनिंग दे रहे हैं, कैसे भाजपा के लोग जो लोग बैठे हुए हैं कैसे संविधान को ध्वस्त करना चाहते हैं, देश को निजीकरण के हाथों में ले जाना चाहते हैं, सब चीज़ को, रेल को, सेल को, हवाई जहाज को, सबको बेच रहे हैं, सब चीज़ पर कब्जा कर रहे हैं। कुछ खास खास लोगों का टीम है, उन्हें चाह रहा है कि देश पर कब्जा कर लें। और राष्ट्रीय जनता दल समाज में लड़ाई लड़ता है, लालू प्रसाद यादव जी हम लोग के नेता हैं, तो हम लोग को लालू जी का फरमान आया
हम लोग की पार्टी के अध्यक्ष जी का। इस विषम परिस्थिति में लालू जी बोले थे कि भाजपा का मतलब होता है भारत जलाओ पार्टी। उधर गोपालगंज में जल संधान विभाग की तरफ से बाढ़ से बचाव को लेकर हर साल करोड़ों की राशि खर्च की जाती है, बावजूद इसके जिले में हर बार बाढ़ आती है और भारी तबाही मचाती है। मानसून आने से पहले ही बाढ़ नियंत्रण और जल संसाधन विभाग की तरफ से बैंकुंठपुर प्रखंड के डुमरिया सलेमपुर और टेडसपुर छरकी बांध की मजबूती के लिए 13 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं ताकि बाढ़ से पहले बांध को मजबूत किया जा सके। विभाग की तरफ से पहले से क्षतिग्रस्त हुए बांधों की मरम्मत और नए जियो ट्यूब स्ट्रेट का निर्माण युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, जिससे नदी की धारा को मोड़ा जा सके और छरकी को बचाया जा सके। टंडसपुर छरकी पर हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर हमेशा बना हुआ रहता है क्योंकि यह छड़की है और सारण तटबंध पीछे है, नदी से सट करके छड़की बनाया गया है। इसमें स्टर्ड है हमारा टोटल 79, इसमें 11 नंबर स्टर्ड से लेकर करके 29 नंबर स्टर्ड क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसका हम लोग उसका नीचे आगे जो नोज पर हम लोग उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं जियो बैग से, नीचे में नायलॉन क्रेट दे कर करके उसको हम लोग डी शेप में गोलाई को कर करके पानी स्मूथ बह सके उसको करना है। और उसी तरह से बीच बीच में 12 जगहों पर जियो ट्यूब से हम लोग उसको स्टड बनाएंगे। और जियो ट्यूब जो बनेगा आप देखे होंगे पथारा में पिछले साल बना था जो काफी कारगर रहा था, उसको भी हम लोग इस पर मानते हुए उसी तरीके से 12 जगहों पर स्टड को बनाएंगे। बाबा बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री के पटना आगमन की जानकारी पर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह हो या राजद के तेज प्रताप यादव, दोनों ने शास्त्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी बीच कैमूर जिले के सर्किट हाउस भभुआ पहुंचे बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम ने धीरेन्द्र शास्त्री पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री ढोंगी बाबा है, ऐसे बाबाओं से हिंदू और सनातन धर्म दोनों बदनाम हो रहे हैं, ऐसे बाबाओं का देश हित समाज हित और धर्म हित के लिए विरोध होना बहुत जरूरी है, ऐसे लोग एक दूसरे धर्म से लड़ाने का काम करते हैं। देखिए धीरेन्द्र शास्त्री जो है एक ढोंगी बाबा है और ऐसे ही ढोंगी बाबाओं से हमारा जो है सनातन धर्म हिंदू धर्म को ये लोग बदनाम कर रहे हैं, ऐसे ढोंगी बाबा का विरोध होना चाहिए, ऐसे ढोंगी बाबा का बहिष्कार होना चाहिए, मैं तो ऐसा मानता हूँ। अगर वो पटना आएंगे तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा लोगों में, क्या हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं? नहीं, हिंदू राष्ट्र वो तो बात की चीज़ है, हिंदू राष्ट्र नहीं, हमारे इस देश में सभी धर्म सभी जाति सभी मजहब के लोग रहते हैं और सब लोग जो है एक दूसरा से प्रेम करते हैं, एक दूसरे धर्म को सम्मान करते हैं। चलिए अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। मधेपुरा जिले में यूपी और छत्तीसगढ़ के तर्ज पर महिलाओं ने पहली बार नदी तालाब को स्वच्छ रखने के लिए नई पहल की है। उन्होंने शहर के पालकेश्वर मंदिर से निर्मल रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि महिलाओं की पहल पर पूजा की सामग्री में शामिल फूल पत्ती बेलपत्र को हर रविवार खेत में डाला जाएगा, जिससे खेतों को उर्वरा शक्ति मिलेगी और नदी तालाब स्वच्छ होंगे। बताया जा रहा है कि यह निर्मल रथ वाहन हर रविवार को घर से पूजा की फेंकी हुई सामग्री जमा करेगा ताकि लोग नदी में इसे ना फेंकें और महिलाओं के इस पहल को स्थानीय लोग काफी सराह रहे हैं। प्रदीप मिश्रा जी उज्जैन के बारे में घोषणा किए थे जो जल को सुरक्षित रखने के लिए आप लोग ये कदम उठाए उठाइए निर्माण कीजिए, हम लोग किए प्रत्येक रविवार निकले संडे संडे निकले घर घर पहुँचेगी घर घर पहुँचेगी हर वार्ड में पहुँचेगी। बिहार में निर्माण रथ है, इसमें आसपास का सभी निर्माण को एकत्रित करके कहीं दूर
खेत खलिहान में गाड़ दिया जाएगा, जिससे कि वहाँ की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी और आसपास जो कुआं तालाब नदी है जहाँ पे आमतौर पर महिलाएं सब कुछ फेंक देती हैं वो प्रदूषित हो जाता है, तो वो प्रदूषण भी नहीं होगा और आसपास का पेयजल जो है साफ सुथरा रहेगा, यही हमारा आग्रह है। और आप लोगों के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग भी इस मुहिम में शामिल हैं और आप लोग इसका प्रचार प्रसार करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें अपना निर्माल्य रथ का प्रयोग करें। वही बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला नालंदा शाखा के कार्यालय में मजदूर दिवस मनाया गया, जहां अमर शहीदों को फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान मजदूर की तरफ से झंडा भी फहराया गया। इस मौके पर बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जिला मंत्री संजय कुमार ने कहा कि शहीदों के अरमानों को किसी भी सूरत में मंजिल तक पहुँचाने का काम किया जाएगा। आज बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला शाखा नालंदा के कार्यालय में मजदूर दिवस के अवसर पर अमर शहीदों को पुष्प अर्पित किया गया और शहीदों के अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे इस नारे के साथ अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दिया गया। मजदूरों की कई समस्याएं हैं, उनको कैसे दूर कीजिएगा? मजदूरों की समस्याएं हैं और दिन प्रतिदिन समस्या बढ़ता जा रहा है। आज न्यूनतम वैधानिक मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है, पुराना पेंशन नहीं दिया जा रहा है, किसानों को वाजिब दाम नहीं मिल रहा है, अनेक समस्या है जिसका समाधान के लिए संघ महासंघ और श्रमिक संगठन संघर्षरत। उधर पटना में मजदूर दिवस के अवसर पर नई शिक्षक नियमावली के विरोध में कई नियोजित शिक्षकों ने प्रतिरोध मार्च निकाला। जमाल रोड से होते हुए शिक्षक डीएम कार्यालय पहुंचे। डीएम कार्यालय के गेट पर शिक्षकों ने जमकर नारेबाजी की। जिलाधिकारी के कार्यालय में न होने की वजह से शिक्षक ज्ञापन नहीं दे पाए। आक्रोशित शिक्षकों ने सरकार पर मनमानी करने का आरोप भी लगाया। जब आपने हमारी बहाली की थी तो ऐसी कोई बात नहीं थी, उसके बाद हुआ था कि हाँ नहीं, हम से बहुत सारी नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन अलग अलग नेताओं ने अलग अलग वादा किया था। जब वो विपक्ष में थे कि हम अगर आएंगे सत्ता में तो हम बना देंगे, यही कर देंगे, शिक्षकों को ये कर देंगे, लेकिन फिर क्या हुआ? कुछ भी ऐसा नहीं होता। उल्टे शिक्षकों को पढ़ाने के अलावा हर काम करना पड़ता है, चाहे वो जनगणना हो, चाहे इलेक्शन हो। उधर छपरा में मशरक थाना क्षेत्र में बैरोली गांव में एम्स के डॉक्टरों ने कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक किया। इसके साथ ही ब्रह्म बाबा संस्थान के प्रांगण में मुखिया अजीत सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पंचायत और क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस दौरान डॉक्टरों ने कैंसर की बीमारी के लक्षण के बारे में विस्तार से बताया और बीमारी से घबराने के बजाय इलाज कराने की सलाह दी। क्योंकि मैं कैंसर सर्जन हूँ पेशे से और मैं एम्स पटना में कार्यरत हूँ। कैंसर का जब भी हम ओपीडी में बैठते हैं तो हमको यही देखने में मिलता है कि लगभग 70-75% मरीज जो है जागरूकता के अभाव में और समय के अभाव में मरीज हमारे पास चौथे स्टेज में पहुँचता है। जब चौथे स्टेज में पहुँचता है तो इलाज मरीज जो है सही में लाइलाज हो जाता है। उसी को अगर हमको पहला और वही मरीज अगर पहला दूसरा तीसरा स्टेज में पहुँचे तो मरीज का इलाज संभव होता है, वही तभी संभव है जब मरीज जागरूक होगा। खबर मधुबनी से है जहां बदमाशों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है। ताजा मामला हरलोकी थाना क्षेत्र का है जहां बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। घायल युवक को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद युवक की हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे DMCH रेफर कर दिया और पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। उसका जब वो एक्सरे करवाया तो गोली नहीं मिला, लेकिन ब्लीडिंग होकर सा हो रहा था और उसको ऑपरेट नहीं कर सकते थे रात में, क्योंकि उतना यहाँ पे मतलब हमारे पास ना उतना व्यवस्था था, तो हम लोगों ने वाली स्थिति भी गंभीर थी, तो हम लोगों ने DMCH। उधर समस्तीपुर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र में एक युवक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक जब गांव के लोग बगीचा की ओर जा रहे थे तभी एक आम के पेड़ के पास व्यक्ति की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी खानपुर थाना को दी गई। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 5 जांच पड़ताल करने के बाद उस शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं घटना के विरोध में आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दी, जिससे यातायात प्रभावित हो गया। पुलिस का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, आगे की जो तफ्तीश है वो जारी है। व्यवहार कुशल लड़का था और यह अपने इसके परिवार में एक आज शादी उदी का भी प्रयोजन था,
और यह वहाँ से रात में जो पूजा पाठ हुआ सब निपटा कर करके मूल घर पर आया, क्योंकि भाई का घर अलग है, इसका घर अलग है। आया फिर खाना उना खाया और उसके बाद देखिए एक साजिश के तहत इसको जो है ना घटना का अंजाम दिया गया। यह तो बड़ा दुखद बात है, हम लोग चिंतित हैं कि हम लोग कैसे सुरक्षित रह पाएंगे। अब विशेष क्या बतावे, विशेष हम लोग देख रहे हैं और प्रशासन से क्या नाम है। उधर आरा के भोजपुर के पवना गांव में युवक ने आपसी लड़ाई में गोली मार दी। गोली लगते ही युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच में जुटी हुई है। गोली निकाल दिया गया है और छाती में हम लोग ने चेस्ट डाल दिया है, ब्लड आ रहा है। हम लोग ब्लड अरेंज कराया था, उसको तो ट्रांसफ्यूज कराएंगे और अभी बीपी पल्स अभी स्टेबल है। चलिए इसी के साथ बिहार के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNP न्यूज़।